Now I'm going to make a question on this article, कैपिलरी एक्शन। इस पर एक क्वेश्चन में फ्रेम करने जा रहा हूँ। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन में चेंज किए जा सकते हैं। तो पहले आसान क्वेश्चन लेता हूँ। ये एक बीकर है जिसमें पानी फिल किया मैंने। अब कैपिलरी इसमें इमर्स कर देता हूं, ठीक है? ये कैपिलरी, मैंने ये पाया कि इसमें जो पानी राइज करता है कैपिलरी के अंदर, वो एच हाइट तक राइज करता है। ये क्वेश्चन में दिया गया है आपको, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या है। द हाइट ऑफ वाटर इन अ कैपिलरी इज एच। इफ द हाइट इज कट फ्रॉम द टॉप अप टू एच बाई फोर, देन वॉट विल बी द न्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस फॉर्म ऑन द टॉप ऑफ कैपिलरी। दिस विल बी द क्वेश्चन। एच हाइट तक इसमें राइज किया पानी। अब यदि ऊपर से जहां एच हाइट है, समझना, टॉप पॉइंट से इसको काट दिया जाए, जस्ट उतनी है मेरे पास मरकरी की हाइट जहां तक ये पानी रेज किया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब इस लेवल से यदि एच बाई फोर मरकरी को काट दिया जाए, तो यहां जो मेनिस्कस फोर होता हुआ मुझे नजर आएगा, जो कर्व सरफेस मेरे को नजर आएगा, वो कर्व सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी, ये क्वेश्चन है। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। बिल्कुल बता सकते हो आप, प्रेशर मेथड से सोचो। इस पॉइंट और इस पॉइंट पर अगर बात किया जाए तो प्रेशर सेम होगा। यहां प्रेशर सेम होगा। यहां प्रेशर कितना होता है, पी नोट। यहां कितना आएगा, यहां पी नोट। मैं पहली स्टेट की बात कर रहा हूं, इनिशियल रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब हाइट एच थी तब मान लेता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आर इनिशियल। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, आर इनिशियल, ये मैं मान लेता हूं आर इनिशियल है। क्लियर? कैसे लिखूंगा मैं, इस पॉइंट पर प्रेशर आएगा पी नॉट माइनस टू टी बाई आर इनिशियल, क्योंकि यहां प्रेस पी नॉट है और यहां क्या आएगा प्रेशर, पी नॉट माइनस टू टी बाई आर, क्योंकि आप कनकेव से कन्वेक्स साइड में जा रहे हो तो कमी आएगी, कितने की, टू टी बाई आर वन की एक सरफेस है। क्लियर? प्लस रो जी एच, वही कंपटीशन के क्वेश्चन में आपको जो आर्टिकल मैंने डेराइव किया था पीछे वाले दो तरीके, प्रेशर मेथड फोर्स मेथड, उसका हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहां क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि वो आर्टिकल का रिजल्ट डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे, आर्टिकल का रिजल्ट डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे आप। वो आर्टिकल में डेरिवेशन करते वक्त मैंने क्या क्या पॉइंट यूज किए थे, उन पॉइंट्स पर क्वेश्चन आते हैं, उन पॉइंट्स को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, इस पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जैसे मैंने किया है, इसको यहां से काट दिया, तो पहले आपको समझना है कि इनिशियल स्टेट क्या थी। ये थी इनिशियल स्टेट, पी नॉट से पी नॉट जाता था और रो जी एच हमारे पास आता था टू टी बाई आर इनिशियल। ये इनिशियल स्टेट के क्रोस्पॉन्डिंग में इक्वेशन बना सकता हूं। फाइनल स्टेट क्या है कि इसको यहां से काट देते हैं, कहां से, यहां से इसको काट दिया जाता है। अब काटने के बाद जो कर्वेचर बनता है वो मान लेते हैं ये बनता है। अब इसकी रेडियस मान लेता हूं मैं आर फाइनल है, तो ये आर फाइनल बताइए कैसे लिखेंगे। काटने के बाद फिर से पूरा लिक्विड रुका हुआ है तब भी
ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा वो इस पॉइंट पर प्रेशर के बराबर आएगा। तो मैं आफ्टर कटिंग इक्वेशन लिखूंगा, ये इक्वेशन थी बिफोर कटिंग, काटने से पहले की इक्वेशन थी, काटने के बाद की इक्वेशन क्या आएगी? रो जी एच माइनस एच बाई फोर, थ्री एच बाई फोर, क्योंकि अब हाइट सिर्फ ये बचेगी फाइनल स्टेट में, जो कितनी आएगी थ्री एच बाई फोर, थ्री एच बाई फोर बराबर सरफेस टेंशन, मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, चेंज नहीं होगा, आर फाइनल, ये सेकंड स्टेट आएगी, क्योंकि ये यहां जो डिक्रीमेंट होता है इस कनकेव से कन्वेक्स की ओर जो जाने पर डिक्रीमेंट होता है प्रेशर में, वो डिक्रीमेंट हाइट से कंपनसेट किया जाता है, समझे ना, हाइट की वजह से जो प्रेशर आएगा उसकी वजह से कंपनसेट किया जाता है, क्योंकि कन्वेक्टिव से कन्वेक्स जाओगे तो डिक्रीमेंट होता है, इस वजह से हाइट राइज करती है जिससे कि प्रेशर में इंक्रीमेंट हो जाए, यहां तक आने में कितना इंक्रीमेंट हो जाए, जितना डिक्रीमेंट हुआ था, डिक्रीमेंट का रीजन क्या है, एक्सेस प्रेशर, वेयर कनकेव साइड में जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, तो पी नोट से अगर आप नीचे आओगे यानी कन्वेक्स की साइड में आओगे तो पी नोट माइनस टू टी बाई आर आएगा, यानी टू टी बाई आर की कमी हुआ, तो ये कमी पूरी की जाती है रोजी एच से, तो ये आफ्टर कटिंग मैंने लिखा, मुझे बताना है आर फाइनल कितना आएगा। देखो कैसे लिख सकता हूं मैं आर फाइनल, इन दोनों इक्वेशन से आर फाइनल टू टी रो जी एच फोर बाई थ्री, ये लिखेगा आर फाइनल इधर आएगा, रो जी इधर आएगा, आर फाइनल इधर, थ्री एच, एच भी नीचे है, थ्री नीचे आएगा, फोर ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा आर फाइनल। अब इसमें यदि आपको इनिशियल आर दिया गया है तो आर इनिशियल की वैल्यू यहां से निकालें, यहां पुट करें, आर इनिशियल यहां से क्या है, टू टी अपॉन रो जी एच, तो यहां आ जाएगा फोर बाय थ्री, टू टी अपॉन रो जी एच कितना है, आर इनिशियल। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा कि जो फाइनल रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके सामने आएगी, वो फाइनल रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी इनिशियल रेडियस ऑफ कर्वेचर का 4/3। इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हो। अब यदि आप मिड से काट देंगे, मतलब ये जो काटने वाला प्रोसीजर है कि आपने ऊपर से h/4 पे काटा, आप ऊपर से ये डेप्थ काटने वाली बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, किस टाइप के चेंजेस आ सकते हैं, समझे ना, किस किस टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। ये रेडियस में इंक्रीमेंट हुआ है ना, ये जो देखा आपने पहले रेडियस कितनी थी, 2t by rho gh थी, यानी r initial, अब कितनी है 4/3, तो रेडियस में इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ी या घटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हुई है। अगर आप और नीचे से काटोगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और इंक्रीज होगी, और नीचे से काटोगे तो और इंक्रीज होगी, आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि बताइए यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर में इतनी बनाना चाहता हूं, क्लियर, दो गुना करना चाहता हूं, तो किस हाइट पर मुझे कटिंग करना होगा, दो गुना रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे मिल जाए तो किस हाइट पर मुझे काटना पड़ेगा, क्या काटना पड़ेगा, इस कैपिलरी ट्यूब को टॉप से कितनी हाइट पर मेरे को काटना पड़ेगा कि यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर दो गुना आ जाए। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड करेंगे, समझे। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। If the contact angle between the material of capillary and liquid is greater than 90 then after
इमर्सन, ऑफ कैपिलरी कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ वाटर इनसाइड कैपिलरी। देखो समझ में आएगा आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब की बार थोड़ा सिचुएशन चेंज है इस क्वेश्चन में। उन्होंने बोला कि जो कॉन्टेक्ट एंगल है कैपिलरी और जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं उनके बीच, वो 90 से बड़ा है। तो ये बात किस प्रकार से यहां फिगर में दर्शाई जाएगी कॉन्टेक्ट एंगल वाले, इसको बड़े ध्यान से समझें। ये एक अपने आप में अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कि कॉन्टेक्ट एंगल 90 से बड़ा है, वो कब हो सकता है 90 से बड़ा कॉन्टेक्ट एंगल? इस प्रकार से तो फिगर कुछ इस प्रकार से बने। क्लियर? कुछ इस तरीके से अगर फिगर बनता है तो कॉन्टेक्ट एंगल 90 से ज्यादा होगा। कैसे? कि हम एक टेंजेंट तो पानी की ओर मटेरियल के सरफेस पे ड्रॉ करते हैं और एक टेंजेंट पानी के सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, और उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो कॉन्टेक्ट एंगल होता है। तो ये कॉन्टेक्ट एंगल होगा। इसी प्रकार से यहां एक दीवार पर टेंजेंट और एक पानी के सरफेस पे टेंजेंट, तो ये एंगल क्या आएगा? कॉन्टेक्ट एंगल, और ये 90 से ज्यादा है। ऐसे ही यहां और इसी प्रकार से यहां, तो ऐसा फिगर बनेगा। क्लियर? इस शेप की वजह से, शेप ऐसी क्यों आई? कॉन्टेक्ट एंगल की वजह से। क्लियर? यानी कॉन्टेक्ट एंगल का 90 से बड़ा होना इस शेप का रीजन है। और इस शेप की वजह से क्या होगा? यहां और यहां प्रेशर कितना है? सेम पी नोट होता है, यहां एटमोस्फेरिक प्रेशर पी नोट। क्लियर? तो इस पॉइंट पर मान लेता हूं कि ये जो नीचे है लेवल पानी का, यहां पीछे वाले केस में जब ये एंगल 90 से बड़ा था तो राइज करता था, इसमें नीचे जाएगा। किस लेवल से? जो इसका पहले वाला लेवल था, ये लेवल था उसका पहला, ये इससे नीचे जाएगा कैपिलरी के अंदर। पानी इस लेवल से नीचे अपने आप को मेंटेन करेगा। मान लेता हूं कि ये डेप्थ एच आती है, ये डेप्थ कितनी आती है? एच आती है, ये मैं मान लेता हूं। तो आप बोलोगे कि यहां प्रेशर कितना है? यहां प्रेशर बोलोगे कि सर यहां प्रेशर है पी नोट प्लस रो जी एच, पी नोट से ज्यादा है। यहां प्रेशर कितना है? पी नोट प्लस रो जी एच। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां पी नोट है और ये हाइट की वजह से आएगा। तो बेटा यहां भी प्रेशर कितना होना चाहिए? सेम, रुका हुआ लिक्विड है। क्लियर? अब देखो मैं जानता हूं कि ये एयर है यहां, तो यहां प्रेशर कितना आएगा? यहां प्रेशर आएगा पी नोट, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर है, एयर है यहां। इसके जस्ट अंदर जो प्रेशर आएगा, यानी इस लेवल पे जो प्रेशर आएगा वो किस प्रकार से आएगा? वो ऐसे आएगा पी नोट प्लस टू टी बाय ये कर्वेचर, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ कर्वेचर आएगी। ये मान लेते हैं इसकी कर्वेचर कितनी है? आर है, तो अपॉन आर। अब देखो आप कन्वेक्स साइड से कंकेव साइड पे जा रहे हो, यहां क्या है? कन्वेक्स साइड पी नोट, नीचे क्या है? कंकेव साइड। तो जब कन्वेक्स से कंकेव पे जाते हैं तो हम पी नोट प्लस करते हैं, क्योंकि कंकेव साइड में हमेशा एक्सेस होता है, प्रेशर का एक्सेस होता है। कितना होता है? 2t by r, एक सरफेस यदि हो, यहां एक ही सरफेस है, तो यानी इस लेवल पर, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना आएगा? पी नोट प्लस 2t by r। क्लियर? अब अगर आप ये शेप यही बना देते, नीचे ना बनाते, आप ये शेप यहां बना देते, तो यहां क्या है? पी नोट प्लस 2t by r। तो इस लेवल पर आप प्रेशर,
इस कर्वेचर की वजह से क्या लिखते हैं, पी नॉट प्लस टू टी बाई आर, यानी पी नॉट से ज्यादा, लेकिन इन दो पॉइंट पर प्रेशर कितना है, पी नॉट। क्लियर? तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो शेप यहां नहीं बना सकते आप, उसको थोड़ा नीचे लेके जाओगे। नीचे लेके जाने से क्या होगा कि जो बाहर पॉइंट है उन पर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे आप, बढ़ जाएगा, यहां प्रेशर ज्यादा है, समझे? तो अब वो स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया था, कौन से वाला स्टेटमेंट, कि स्टेशनरी लिक्विड में एक लेवल पर हर एक पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है, अब वो यहां वैलिड करने लगेगा। अगर आप ये शेप यही बना दोगे तो वो वाला पॉइंट वैलिड नहीं हो पाएगा। यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस, और यहां प्रेशर कितना है, पी नॉट। तो इसलिए जब कॉन्टेक्ट एंगल 90 से ज्यादा होता है तो अंदर कैपिलरी के जो लेवल होता है पानी का, वो थोड़ा नीचे चला जाता है। क्यों? रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि कन्वेक्स से कनकेव की ओर आप जाओगे, इस पॉइंट पर जहां पानी है, इस पॉइंट पर वहां पी नॉट प्लस आएगा, यानी पी नॉट से ज्यादा प्रेशर आएगा, और पी नॉट से ज्यादा प्रेशर, इसका मतलब आपको ये पॉइंट नीचे लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर प्रेशर पी नॉट से ज्यादा आएगा, इस पॉइंट पर प्रेशर पी नॉट से ज्यादा आएगा, तो थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। क्लियर? इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, समझ में आई कहानी? तो अब मैं ये लिखूंगा कि पी नॉट प्लस टू टी बाई आर, इस पॉइंट पर बी पर प्रेशर, और ये ए पर प्रेशर कितना आएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट से पी नॉट गया, अब आप लिख सकते हो टू टी बाई आर रो जी एच। ये एच इस क्वेश्चन में कौन है, डेप्थ, तो डेप्थ का फॉर्मूला भी क्या आया, रो जी आर, सेम फॉर्मूला आया डेप्थ का भी, टू टी बाई आर। क्लियर? अभी यहां कॉन्टेक्ट एंगल मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये आर कौन सा है, इसका कर्वेचर, समझना, इस कर्व सरफेस का कर्वेचर। यदि आप कैपिलरी की रेडियस को इन्वॉल्व करना चाहते हो तो यहां भी टू टी बाय रो जी स्मॉल आर कॉस थीटा, इस प्रकार से, क्योंकि हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, आर बाई कॉस थीटा, कल मैंने प्रूव की थी ये बात, तो ये पुट यहां करता हूं मैं, आएगा टू टी कॉस थीटा बाई रोजी आर। थीटा क्या है, कॉन्टेक्ट एंगल, क्योंकि थीटा 90 से ज्यादा है, तो अगर आप यहां 90 से ज्यादा की वैल्यू पुट करोगे तो एच क्या आएगा, निगेटिव। वो क्या बता रहा है आपको, कि वॉटर राइज नहीं कर रहा है, नीचे जा रहा, डेप्थ है ये, हाइट नहीं है, डेप्थ है, निगेटिव ये यहां प्रदर्शित करेगा। आपको समझ में आया, ये बात अच्छे समझ में आनी चाहिए कि जो वो पॉइंट मैंने आपको बताया था उसको वैलिडेट करने के लिए ये पानी का लेवल नीचे जाएगा। बड़े अच्छे से ये आर्टिकल आप समझेंगे।